बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ी भी बीजीटी को लेकर खूब बयानबाजी कर रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 22 नवंबर से शुरू होगी, लेकिन इससे पहले पूर्व खिलाड़ी अपनी अपनी प्रेडिक्शन भी देने लगे हैं। और अब तो टीम इंडिया को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा सीरीज का एक मैच मिस कर सकते हैं। टीम के सामने अब सबसे बड़ा सवाल है कि रोहित के ना खेलने पर टीम इंडिया के लिए ओपनिंग कौन करेगा। ऐसे में सिलेक्टर्स के सामने कुछ नाम तो जरूर है, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने सभी को प्रभावित किया है, और वो नाम है यंग खिलाड़ी अभिमन्यु ईश्वरन का। अभिमन्यु ईश्वरन घरेलू क्रिकेट में इस वक्त गजब के फॉर्म में है। उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में शतक जड़ने का काम किया था, साथ ही साथ ईरानी ट्रॉफी में भी उन्होंने गजब का खेल दिखाया। अभिमन्यु ईश्वरन ने इस साल फर्स्ट क्लास में लगातार 4 शतक जड़कर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इस साल उनके सिलेक्शन को लेकर बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन इस खिलाड़ी को टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका अभी तक नहीं मिला। रोहित के टेस्ट मैच ना खेलने पर अभिमन्यु को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। फर्स्ट क्लास में अगर अभिमन्यु ईश्वरन के रिकॉर्ड की बात करें तो अभिमन्यु ईश्वरन ने 98 मैचों में 7,506 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 49.38 का है, और अभिमन्यु के नाम 29 अर्धशतक और 26 शतक है। घरेलू क्रिकेट में इतना शानदार प्रदर्शन के बाद भी इस खिलाड़ी को भारतीय टीम में खेलने का मौका नहीं मिला है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या आने वाले बीजीटी में रोहित की जगह सिलेक्टर्स अभिमन्यु को मौका देते हैं या नहीं।